कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, विदेशी बाजारों में क्या हलचल है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट में जैसे कि देखा जा रहा है बाजारों में फ्लैट ही कारोबार रहा। कल भी बाजार अगर देखेंगे तो बाजारों में 42,900 रुपये पर ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार 31,900 रुपए हो गया। अगर विदेशी बाजारों की हम अगर बात करें तो चीन के बाजारों में आज भी आयरन ओर के बाजारों में लगभग 1% की तेजी और रिबर के बाजारों में भी लगभग 0.25% की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। अगर विदेशी बाजारों में अगर बात करी जाए तो कुकिंग कोल सीबोन के कोक के भाव में लगातार जबरदस्त तेजी है, लेकिन भारतीय बाजारों में बिक्री का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और आप जान सकते हैं कि बाजारों में आपको जो मार्केट में जो इस समय जो ट्रेंड देखा जा रहा है बजट की वजह से, बाजारों में बहुत ही स्लगिश बाजारों में ट्रेंड देखा जा रहा है। बाजारों में बहुत ज्यादा बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के तहत आप जान के चल सकते हैं कि बाजारों में अगर आपको कामकाज करना है तो आप बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर कास्ट आयरन की अगर हम बात करेंगे तो मैं एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपये रहा। एमएस स्क्रैप का बाजार 31,900 रुपये पर कामकाज रहा। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 37,200 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 38,200 रुपये, कल के भाव पर स्थिर बना हुआ है। CRC क्वाइल में लुधियाना CRC क्वाइल का बाजार 54,500 रुपये, CRC क्वाइल का बाजार 60,700 रुपये रहा, जबकि गाजियाबाद CRC क्वाइल का बाजार 56,500 रुपये, CRC क्वाइल का बाजार 59,000 रुपये रहा। कोलकाता CRC सीट की अगर हम बात करेंगे 53,500 रुपये, CRC सीट का बाजार 58,500 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। बात कर लेते हैं रायपुर एच बी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एच बी वायर का बाजार 45,900 रुपये रहा। GI वायर का बाजार 49,700 रुपये, जबकि MS पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 45,800 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 43,000 रुपये रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर TMT की बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ TMT का बाजार 47,400 रुपये, दुर्गापुर का बाजार 43,200 रुपये, इंदौर का बाजार 48,500 रुपये पे कामकाज रहा, रायपुर का बाजार 43,500-46,000 रुपए, जयपुर का बाजार 45,800 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 46,000 रुपए, भावनगर का बाजार 47,700 रुपए, गाजियाबाद का बजार 46,900 रुपए, जलना का बाजार 48,200 रुपए पे कामकाज हुआ, जबकि पटना TMT का बाजार 44,200 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। आप जान लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 42,600 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 43,300 रुपए का, इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 32,300 रुपए। ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो विदेशी बाजारों में तेजी है, उसका असर भारतीय बाजारों में आज नहीं, दो दिन बाद बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपको रेट की जानकारी जाननी है तो AB लाइव का ऐप एंड्रॉइड आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।